जनवापी एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा हटाए गए। अजय मिश्रा के साथ आरपी सिंह मस्जिद गए थे, उन्होंने बाहर आकर बयान दिया था, इसलिए अजय मिश्रा हटाए गए हैं। अब विशाल सिंह कोर्ट में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करेंगे। जनवापी मस्जिद प्रकरण में वाराणसी की अदालत से बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में अदालत ने सर्वे की गोपनीयता को लीक करने के आरोप में सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है और कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे। रिपोर्ट देने काम विशाल सिंह के नेतृत्व में होगा और अजय प्रताप सिंह उनको सहयोग करेंगे। एडवोकेट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग की थी, मगर अदालत ने सर्वे कमिश्नर को नहीं बदला और उन्हें चीफ एडवोकेट कमिश्नर बना दिया गया तथा दो अन्य सहायक नियुक्त किए गए जो विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह थे। अदालत ने अपने निर्णय में आज चीफ सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया और अब सर्वे रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेदारी विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह का होगा। दो दिन बाद की जाएगी, समय मिल चुका है। एकदम निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। रिपोर्ट तैयार है, लगभग तैयार है। रिपोर्ट समय सीमा के अंदर दाखिल कर दी जाएगी। विशाल सिंह जी, आखिर क्या कारण रहा कि अजय कुमार मिश्रा जी को हटा दिया गया? मैंने अभी ऑर्डर देखा नहीं है, उसमें कहाँ कुछ जल्दीबाजी होगी। और ये आप लोगों को जो दो दिन का रिपोर्ट सबमिट करने का समय दिया गया है, तो आप लोग दो दिनों के अंदर ही? हाँ, लगभग तैयार है, कर दिया जाएगा।